आज से दही, लस्सी, चावल और आटा समेत कई जरूरत की चीजें महंगी हो गई हैं। इनके दाम बढ़ने से महंगाई की और मार झेलने को तैयार हो जाइए, क्योंकि बहुत कुछ महंगा हो गया है, खासकर जरूरत की चीजें महंगी हो गई हैं। 18 जुलाई से जीएसटी रेट बढ़ा दिया गया है, इस कारण जरूरत की कई चीजें महंगी हो गई हैं, जिससे लोगों की जेब पर बोझ और भी बढ़ने वाला है। दरअसल केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में दूध के प्रोडक्ट को पहली बार जीएसटी के दायरे में शामिल करने का फैसला किया गया था। जीएसटी काउंसिल की बैठक में टेट्रा पैक वाले दही, लस्सी और बटर मिल्क पर 5% जीएसटी लगाने का फैसला किया गया। इतना ही नहीं, अनब्रांडेड, प्री पैकेज्ड और प्री लेबल आटा और दाल पर भी 5% जीएसटी अब लगेगा। इन सब के अलावे ब्लेड पेपर, कैंची, पेंसिल शार्पनर, चम्मच, कांटे वाले चम्मच, स्कीमर्स और केक सर्विस आदि पर सरकार ने जीएसटी को बढ़ा दिया है। अब इस पर 18% की दर से जीएसटी वसूल की जाएगी। इतना ही नहीं, एलईडी लाइट्स और एलईडी लैंप्स पर भी जीएसटी 12% से बढ़ाकर 18% कर दिया गया है। हॉस्पिटल द्वारा 5,000 रुपए प्रतिदिन से अधिक का रूम उपलब्ध कराया जाता है तो उस पर भी 5% की दर से जीएसटी देना होगा। इसमें आईसीयू, आईसीसीयू, एनआईसीयू के रूम पर छूट लागू रहेगी। बता दें कि वर्तमान में 1,000 रुपए से कम के होटल रूम पर जीएसटी नहीं लगता, लेकिन अब ऐसे कमरे पर भी 12% की दर से जीएसटी लगेगा। अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा, बागडोगरा से उड़ने वाली फ्लाइट जो अब तक कर मुक्त थी, उसमें अब केवल इकोनॉमी क्लास पर ही जीएसटी से छूट प्राप्त होगी और बिजनेस क्लास में सफर करने पर 18% की दर से जीएसटी लगने वाला है। वहीं वेयर हाउस में ड्राई फ्रूट्स, मसाले, खोपरा, गुड़, कार्टन, जूट, तंबाकू, तेंदुपत्ता, चाय, कॉफी इत्यादि के स्टोरेज की सेवाएं अब तक कर मुक्त थी, उन्हें अब टैक्स के दायरे में लाया गया है और ऐसी सेवाओं पर अब 12% की दर से जीएसटी लगेगा। इसके अलावा कृषि उपज के स्टोरेज किए जाने पर वेयर हाउस के फ्यूमिगेशन की सेवा पर कर से छूट प्रदान थी, अब ऐसी सेवाओं पर भी 18% की दर से जीएसटी लगने वाला है। बता दें कि जीएसटी कलेक्शन जून में बढ़कर 1,45,000 करोड़ रुपए हो गया। एक साल पहले की तुलना में ये 56% की बढ़ोतरी है, तो वहीं मई के महीने में ये 1,41,000 करोड़ रुपए था। एक तो पहले से ही आम जनता महंगाई की बोझ तले दबी हुई थी, ऐसे में अब इन सारी चीजों के दाम बढ़ने से निश्चित ही लोगों की जेब पर और भी बोझ बढ़ने वाला है, जो काफी दुखदायी भी होगा। गरीबी और बढ़ेगी, अगर ऐसे ही महंगाई बढ़ती रही तो वो दिन दूर नहीं जब 2 जून की रोटी भी जुटा पाना लोगों के लिए एक चिंता का विषय बन जाएगा और लोग चाह कर भी अपने लिए भोजन का इंतजाम और अपने परिवार के लिए महंगाई के कारण खाने का इंतजाम नहीं कर पाएंगे। बहरहाल आप बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। यदि आप ये वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। इसके अलावा आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।